मैं भारत का संविधान हूँ। मुझे गढ़ने में 389 संविधान निर्माताओं को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और इस तरह मैं आधार बना था एक प्राचीन सभ्यता से जन्मे नए देश का, जिसे आज देश दुनिया भारत के नाम से जानती है। पर यह सफर आसान नहीं था। न जाने कितने घंटों, दिनों और हफ्तों तक बहसें और जिरह हुई थी। जन सरोकार से जुड़े तमाम मुद्दों पर बारीक और कड़ी मेहनत की गई थी और तब जाकर बात कागज कलम तक पहुंची थी। तो आज बात करते हैं उन शिल्पकारों की जिन्होंने मुझे आकार दिया था और सौंपी थी जिम्मेदारी नए नवेले भारत के परवरिश की, विकास की और सुरक्षा की। तो चलिए आजादी के 75 वर्षों बाद खोलते हैं उस बीते दौर के कुछ सुनहरे पन्ने और पहले मिलते हैं सर बेनेगल नरसिम्हा राव से। साल 1946 में आए कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आजाद भारत की शक्ल सूरत कैसी होगी, इस पर मीमांसा शुरू हो गई थी और इसको आकार देने की कमान सौंपी गई थी संविधान सभा के इन सदस्यों को, जिन्हें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत चुना गया था। इस समूह का लक्ष्य मेरे गठन के मार्फत भारत के वर्तमान और भविष्य के बीच एक मजबूत पुल बनाना था। इस पहल में अनूठा योगदान रहा था सिविल सर्वेंट, न्यायविद और कूटनीतिज्ञ सर बीएन राव का। जैसा कि आप जानते हैं, मुझमें निहित मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। इन सब का श्रेय बीएन राव को जाता है। 1946 में संविधान सभा का सलाहकार बनाए जाने के बाद राव ने करीब 60 देशों के संविधान पढ़ डाले थे और भारत के संदर्भ में जो उचित लगा उससे उन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। इस ड्राफ्ट में करीब 10 देशों के संविधान के संक्षिप्त अंश थे जिसे इन्होंने संविधान सभा के सभी सदस्यों को भेजा था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने मेरी बुनावट में बीएन राव के योगदान को कुछ इस तरह महिमामंडित किया था। The credit that is given to me does not really belong to me. It belongs partly to Sir B.N. Rao, the constitutional advisor to the Constituent Assembly, who prepared a rough draft of the Constitution for the consideration of the drafting committee. ये थे मेरे सबसे पहले शिल्पकार B.N. Rao, जिन्होंने मेरा शुरुआती खाका संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। अगली बार बात एक और ऐसे ही संविधान निर्माता की।